बहुत पुरानी बात है, हिमालय पर्वत की घाटी में एक ऋषि रहते थे। वे गोरे चिट्टे और उनकी श्वेत धवल दाढ़ी थी। वह कंदमूल फल खाते थे और अपना अधिक समय वह तपस्या में व्यतीत करते थे। कभी कभी बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच अकेले वह उदास हो जाते थे। उदासी तोड़ने के लिए अक्सर वह जोर से बोलने लगते। उन्हीं की आवाज़ ऊँचे पर्वतों से टकरा कर लौट आती थी। तब दूर दूर तक नज़र दौड़ाकर वह कुछ खोजने लगते। चारों ओर दूध सी सफ़ेद बर्फ ही दिखाई देती। उनका मन और उदास हो जाता। एक दिन उन्होंने ध्यान लगाकर भगवान से कहा, प्रभु कभी कभी मन नहीं लगता, सूने पहाड़ की उदासी काटने लगती है, कुछ कृपा करो। ऋषि अभी ध्यान मगन ही थे तभी उन्हें छम छम करती पायल की झनकार सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोली, देखा हिम सी एक बालिका श्वेत वस्त्रों से सजी सामने खड़ी थी। मंत्रमुग्ध ऋषि ने दौड़कर बच्ची को गोद में उठा लिया। उनका हृदय पुलकित हो उठा, खुशी में आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषि के आंसू बहते देख बच्ची मीठी वाणी में बोली, बाबा रोते क्यों हो, मैं रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू हैं। मेरी बच्ची बताओ तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसकी बेटी हो, ऋषि ने पूछा। बच्ची बोली, मैं नीचे की घाटियों से आई हूँ, मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरी माँ का नाम प्रकृति है, मेरा नाम सुषमा है। तुम कब तक मेरे पास रहोगी, मुझे लगता है अब एक बार तुम्हें पा लिया तो मैं एक क्षण भी तुम्हारे बिना ना रह सकूँगा, अब तुम मुझे छोड़कर कभी ना जाना, कहते हुए वृद्ध ऋषि विभोर हो गए। मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी बाबा, मेरी माँ ने कहा है कि उदास ऋषि के चारों तरफ खुशी बिखेर देना ताकि कभी किसी को भी भविष्य में हिमालय में उदासी ना घेरे। बच्ची ने कहा, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, आज से तुम मेरे बाबा हो, यह हिमालय मेरा घर है। ऋषि प्रसन्न थे, वह बच्ची का हाथ थामे बर्फानी पर्वतों पर घूमते, कभी उसे गोद में लेकर मीलों चलते, दोनों प्रसन्न थे। अक्सर ऋषि बालिका को कथा सुनाते। एक दिन ऋषि ने बालिका को हंसने वाली मनोरंजक कथा सुनाई तो वह खिलखिलाकर हंस दी। जब वह खिलखिलाकर हंस रही थी तो ऋषि उसी तरफ देख रहे थे। बच्ची की हंसी के साथ रंग बिरंगे सुंदर फूल झर रहे थे, वह मंद हवा के साथ दूर दूर तक फैलते जा रहे थे। थोड़ी देर में बच्ची ने हंसना बंद कर दिया, तब तक दूर दूर तक फूल ही फूल धरती पर उग आए थे। ऋषि ने दूर तक देखा और मुस्कुरा कर कहा, यही है फूलों की घाटी, इस धरती का स्वर्ग। फूलों के सौंदर्य में डूबे ऋषि बालिका के साथ घूमते रहे। एक दिन उनकी उंगली पकड़े बालिका ठुमक ठुमक कर चल रही थी, तभी एकाएक उसका पैर फिसला और उसे चोट आ गई। कोमल तो थी ही वह, ऊ करके रोने लगी। बड़ी बड़ी आंखों से मोती से आंसू ढुलक ढुलक कर धरती पर गिरने लगे। ऋषि ने उसे संभाला, चोट को सहलाया। बच्ची चुप हुई तो ऋषि ने देखा कि जहाँ जहाँ आंसू की बूंदें गिरी थी वहाँ जल धाराएं बह रही है, निर्झर झर रहे हैं। ऋषि जैसे तृप्त हो गए उस दृश्य को देखकर। सचमुच बच्ची ने ऋषि की उदासी मिटा दी। मुदित मन से ऋषि उसे लिए ऊंची चोटियों पर यहाँ से वहाँ जाते। जहाँ जहाँ बच्ची हंसती वहाँ फूल बिखर जाते और वह जहाँ रोती वहाँ झरने बहते। अब सुंदरता हिमालय पर सर्वत्र छा गई, ऋषि की उदासी दूर हो गई। बाबा और बच्ची दोनों मगन थे। समय बीतने लगा। बहुत वर्षों बाद बर्फानी पर्वतों, फूलों की घाटियों और नदी झरनों के नीचे की घाटियों में रहने वालों को इस अनोखे सौंदर्य की खबर मिली। वे लोग मार्ग खोज खोज कर ऊपर आने लगे। कठिन मार्ग में उन्हें थकावट लगती, कष्ट होता, पर ऊपर पहुंचकर सब भूल जाते। धीरे धीरे अपने मार्ग के कष्ट को दूर करने के लिए उन्होंने अच्छा सुगम मार्ग बनाने का विचार किया। वह हरी भरी धरती पर कुदाल चलाने लगे, लेकिन धरती माँ कभी यह सह लेती पर कभी वह गुस्से से गरज पड़ती और पहाड़ टूट जाते। हरियाली पर टूटा पहाड़ मनुष्य की निर्दयता की कहानी कहता। लोग आने लगे, ऋषि और बालिका ऊंची ऊंची चोटियों की ओर बढ़ने लगे। वे जहां जाते सूखे पर्वत सौंदर्य से भर जाते। इस तरह ऋषि ने सुषमा को साथ लगाकर हिमालय को स्वर्ग के सम्मान बना दिया। आज ऋषि नहीं है, मगर हिमालय के झरनों, हरे भरे मैदानों और फूलों की घाटी के रूप में सुषमा चारों ओर जैसे हंसती मुस्कुराती ऋषि की कहानी कहती दिख पड़ती है।